बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज़ मी कायनात फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगेन मैं आपके साथ एक और रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो ये प्रोडक्ट है डॉक्टर राशील का, डॉक्टर राशील विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग आई सीरम। सो इस पर लिखा हुआ है हेलोरोनिक एसिड, कोलेजन, 24 आवर्स हाइड्रेशन, ब्राइट एंड डार्क सर्कल्स, प्लम्स एंड रिमूव्स पफिनेस, रिड्यूस अपीयरेंस एंड रिंकल्स। मतलब ये हमारे डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा, हमारी पफिनेस को रिमूव करेगा, आई की जो पफिनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको रिमूव करेगा, और फिर हमारे जो आई के नीचे जो रिंकल्स बन जाते हैं उसे भी रिमूव करेगा। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये क्लेम्स जो इन्होंने किए हुए हैं क्या ये सही है या गलत है, क्या ये हमारी पफिनेस को ख़त्म करता है या हमारे डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो यहाँ पर इन्होंने बेनिफिट्स दिए हुए हैं बॉटल के बैक पर, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो विटामिन सी आई सीरम है वो आपकी आई के अराउंड जो स्किन है उसे डीपली नरिश करता है, आपके रिंकल्स को रिड्यूस करता है, आपकी आईज़ को ब्राइटन अप करता है। इसमें प्योर विटामिन सी और कोलेजन ऐड है जो कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होते हैं, और इसमें हेलोरोनिक एसिड भी ऐड है, और ये सीरम आपके डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करता है। सो अब बात कर लेते हैं इसकी बॉटल की। इसकी ड्रॉपर बॉटल है और बॉटल भी ग्लास की है, और इसका जो ड्रॉपर है वो भी ग्लास का है। मैंने इसे 1 मंथ यूज़ किया है। इसे किस तरह से अप्लाई किया था मैंने, इसका एक ड्रॉप अगर मैं लेती थी तो ये मेरी दोनों आईज़ को कवर कर लेता था, और इसे मैं रिंग फिंगर से आइज़ के राउंड अबाउट अप्लाई करती थी और रब करती थी हल्का हल्का सा। आपने इसे ज़्यादा रब नहीं करना है। इसे मैंने सिर्फ रात में यूज़ किया है, मतलब जो हम स्किन केयर रूटीन लेते हैं उसमें मैंने सिर्फ इसे रात में यूज़ किया है। इसका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कलर इसका है ऑरेंज टाइप का, और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक है, और इसका प्रोडक्ट है 30 ml। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लेम्स की कि इन्होंने क्या क्लेम्स किए हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने ये क्लेम किया हुआ है कि 24 आवर्स हाइड्रेशन। 24 आवर्स तो नहीं, ये हाँ 12 आवर्स हमारी स्किन के अराउंड जो स्किन है उसे हाइड्रेट रखता है। दूसरा क्लेम इन्होंने किया हुआ है ब्राइटन्स डार्क सर्कल्स, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसे 1 मंथ तक यूज़ किया है, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। ये हमारे डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी रिमूव नहीं करता। रिमूव तो फिर दूर की बात है, ये हमारे आई के जो स्किन है उसे लाइटन अप भी नहीं करता। सो अब हम बात करते हैं थर्ड क्लेम की, जो इन्होंने कहा है कि हमारी ये जो आईज़ है उसकी पफिनेस को कम करता है। लेकिन ये क्लेम भी इनका गलत है, इससे कोई पफिनेस हमारी ख़त्म नहीं होती है या कम भी नहीं होती। फोर्थ क्लेम इन्होंने किया हुआ है रिड्यूस अपीयरेंस एंड रिंकल्स, ये क्लेम भी इनका गलत है। इससे कोई रिंकल्स हमारे कम नहीं होते या फिर हमारी स्किन हल्की सी भी टाइट नहीं होती, बस कुछ टाइम के लिए उस वक्त हमें ग्लो नज़र आने लग जाता है। क्योंकि अब अगर आप कोई भी ऑयल या कोई कुछ भी लगा लें, कोई भी सीरम आप उठा के लगा लें, वो आपकी स्किन को ग्लो तो दिखाएगा ही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वुड आई रिकमेंडेड, सो नो, नेवर। आपने कभी भी इसे यूज़ नहीं करना है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसके कोई रिज़ल्ट नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है आपके यहाँ पर। और इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ ये किस टाइप की स्किन के लिए है, ना इसकी बॉटल पे मेंशन हुआ हुआ है, ना इसके बॉक्स पे है, और प्राइस इसकी है 600। सो आपने ये 600 नहीं वेस्ट करने, आपने ये 600 अपने बचा कर रख लेने हैं, मैंने तो वेस्ट कर लिए हैं। सो ये था मेरा कम्प्लीट रिव्यू डॉक्टर राशील विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग आई सीरम का। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे का इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।